नमस्कार मेडिया, और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। आज हम बात करने वाले हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर संदीप कुमार, जो बिहार के जाने माने फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल में। नमस्कार डॉक्टर साहब। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हैं, अभी से ही हवाएं ऐसी हो गई हैं कि लू वाली स्थिति पैदा होने लगी है। कुछ समय में ये भी समस्या ज़्यादा लोगों को परेशान करी, तो ऐसे में लोग किस तरीके से ये जो लू की समस्या है देख सकते हैं? गर्मियों में लू लगना आमतौर पर एक बहुत आम समस्या है, और इस लू लगने को ही हम लोग मेडिकल हीट स्ट्रोक कहते हैं। ये एक्चुअली थ्री लेवल है इसका। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं हीट एग्जॉशन, एंड देन हीट इंजरी, थर्ड स्टेज इज हीट स्ट्रोक। जब बहुत तेज़ धूप होती है, सडन राइज ऑफ टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का, या वातावरण में टेम्परेचर की वजह से हो, या हमारे आसपास के माहौल के टेम्परेचर की वजह से हो। जब 40 डिग्री से ज़्यादा या 103.4 डिग्री या 5 डिग्री तक बुखार आ जाते हैं, इसके लक्षण प्रारंभिक लक्षण यही होते हैं, जिसे हम लू लगना कहते हैं। इसके साथ में मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव, बहुत तेज़ सर दर्द, उल्टी जैसी लगना, मितली आना या उल्टी हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा थकान होना, ये प्रारंभिक लक्षण है जिसे हम हीट एग्जॉशन कहते हैं। इसके बाद की स्थिति होती है जो यूरिन या पेशाब की मात्रा में बहुत गाढ़ापन आता है, बहुत डार्क यूरिन होता है, या पेशाब करने में तकलीफ़ होती है, व्यक्ति बहुत थका हुआ महसूस करता है, और ये बढ़ते बढ़ते ऐसा होता है कि भ्रम की स्थिति हो जाती है, पहचानने में किसी को दिक्कत होती है, बातचीत प्रॉपरली नहीं कर पाते, कई लोगों को झटका या दौरे पड़ते हैं मिर्गे के, सीज़र जिसे कहते हैं। तो यहाँ से हीट एग्जॉशन से ये बढ़ते बढ़ते हीट स्ट्रोक की बात हो जाती है। हीट स्ट्रोक एक आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी है, और इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। हीट स्ट्रोक की ऐसी स्थिति में जितना जल्द हो हॉस्पिटल के पास ले जाएं। सबसे पहले उस व्यक्ति को जो हीट लू की चपेट में है, इसे धूप या हाई टेम्परेचर वाली जगह से इसे ठंडे स्थान पर, कूल प्लेस पर ले करके जाएं। संभव हो तो उसे पानी से पूरी तरह से पोंछ दें। इन एक्सट्रीम केसेस हम लोग कहते हैं आइस वाटर इमर्सन, यानी बर्फ़ के पानी से पूरा उसको नहला दें। पर जो पेशेंट होश में नहीं हो, उनमें ऐसा नहीं करना है। जो होश में हो, उन्हें ठंडे पानी से नहलाया जा सकता है, या कपड़ा भिंजा करके उससे पूरे शरीर को पोंछा जा सकता है। पेशेंट अगर होश में हो तो उन्हें पानी पीने के लिए दिया जाए, तरल पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है, सादा पानी है, नारियल पानी है, जूस है, जो भी अगर पेशेंट ले सकते हैं उन्हें पिया जाए। आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत है हॉस्पिटल में ले जा करके एक डॉक्टर से सलाह लें, और जो जांच कराएं कि क्या कोई एंड ऑर्गन डैमेज हुआ है या नहीं। सर, तो अब गर्मियों का मौसम है और डिहाइड्रेशन की समस्या भी ज़्यादा लोगों को होती है, तो इसमें एक आदमी प्रतिदिन कितना पानी पी सकता है, उसे कितना पानी पीना चाहिए? गर्मी के दिन में ये डिपेंड करता है कि वर्क लेवल कैसा है। अगर व्यक्ति बाहर काम करता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और मेहनत मशक्कत करता, मजदूरी कर रहा है, या ऐसे कोई वर्क कर रहा है जिसमें फिजिकली बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पर उसके पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। जो एक दिन में ऑफिस वर्कर हैं, एसी में काम कर रहे हैं, उनके लिए पानी की मात्रा रिलेटिवली कम होगी। तो जो भी कारण हो, पहला चीज़ पानी की पर्याप्त मात्रा का सबसे जो एक लक्षण है वो है यूरिन की मात्रा कैसी हो रही है, पेशाब का रंग कैसा हो रहा है। और ये पेशाब का रंग क्लियर है तो आपको पानी की मात्रा आपकी सफिशिएंट है। ऑन एन एवरेज गर्मी में 10 से 12 ग्लास पानी की ज़रूरत पड़ती है, पर ये डिपेंड करता है कि वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, किस जगह पे व्यक्ति काम कर रहा है और किस स्तर का कार्य कर रहा है। इसका सबसे अच्छा मॉनिटरिंग होता है यूरिन। सर, जैसा कि आपने बताया कि नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पीना है, ऐसे में बात अभी सीजनल फ्रूट्स की कर ले, तो बहुत सारे मार्केट में फ्रूट्स भी आ रहे हैं सीजनल, तो उसमें लोग क्या क्या खा सकते हैं, जो ऐसे लोग जो अभी डायबिटीज़ के हैं, उन लोगों को भी ऐड कर दें, तो उन लोगों को किस तरीके का फ्रूट्स खाना चाहिए? अगर फलों की अगर बात करें तो इस मौसम में बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनमें पानी की मात्रा, वाटर कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें खीरा है, ककड़ी है, तरबूज मिलते हैं, तो नारियल पानी है। तो डायबिटिक पेशेंट को खीरा ककड़ी दे सकते हैं। तरबूज की मात्रा कम, अगर डिपेंड करता है वो कितने कंट्रोल लेवल पर है, नारियल पानी भी कंट्रोल्ड वे में दिया जा सकता है। सादा पानी आप ले सकते हैं, सत्तू पानी ले सकते हैं, जो बहुत इजी हम लोग के यहाँ अवेलेबल है। तो किसी भी कारण से पानी की मात्रा को बढ़ाएँ, अनावश्यक धूप में जाने से बचें। अगर बचना है लू से तो सबसे पहली बात है कि 11 बजे से 2 बजे या 3 बजे तक का जो समय है मैक्सिमम पीक आवर होता है, इस समय में अनावश्यक धूप में नहीं जाएं। अगर जाना हो तो छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं,
जो लगातार काम कर रहे हैं धूप में, वो बीच में पानी पीते रहें, यूरिन की क्वालिटी को देखते रहें कि यूरिन में पेशाब जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, बहुत गाढ़ा या पीला तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में खिंचाव तो नहीं है। बच्चों को अक्सर देखते हैं कि गाड़ी, जब हम लोग गाड़ी में जाते हैं और पार्क की कोई 5 मिनट या 2 मिनट के सामान के लिए लेने जाना होता है और गाड़ी में ही छोड़ देते हैं और सामान लेने चले जाते हैं, ऐसा कतई नहीं करें, क्योंकि विद इन सेकेंड 5 मिनट या 10 मिनट में भी बहुत सडन राइज ऑफ टेम्परेचर होता है गाड़ी के अंदर। और इसलिए अगर शीशे खिड़की के खुले भी रहें तो भी उसमें बहुत बच्चों को गाड़ी के अंदर ही 5 मिनट के अंदर लू लगने की संभावना हो सकती है। तो ये गलती कतई नहीं करें और जहाँ तक संभव हो पानी की मात्रा को सफिशेंट मात्रा में उसको आप लें, इंटेक करें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हीट स्ट्रोक के बारे में जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर संदीप कुमार को सुन रहे थे जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ हीट स्ट्रोक के बारे में साझा की। आप इस विषय में क्या जानकारी रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।